Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. हम लोग ना इसमें थे, फैमिली रूम में थे, उसका टूर भी दे दूंगी मैं आप लोगों को बाद में इसके बाद। और अभी हम लोग कपल रूम में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब कपल रूम जो थे वो खाली नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने फैमिली रूम लिया था एक दिन के लिए। अब हम लोग आ गए हैं कपल रूम में, तो मैं आप लोगों को इसका टूर देती हूँ। यहाँ पे बेल है, मुझे नहीं पता अंदर बजा कि नहीं बजा। 206 #206 हमारा रूम है। ओ थैंक यू, अधू ने हमारा वेलकम किया। अच्छा चले जाएँ, यहीं से वापस चले जाएँ, शायद ये काम कर रहा है इसलिए अधू आया। ओले बोबले क्या करे, आए कि नहीं आए? नहीं आए, अधू नहीं जाने देगा हम लोग को अंदर। आकाश ये ना गेट लॉक करने का ट्राई कर रहा है, मुझे नहीं आने देगा। अच्छा भाग गए अद्दू जी, भाग गए। अगर हम अंदर आएंगे तो अद्दू बाहर जाएंगे। ये एंट्री है, एंट्री से हम लोग अंदर आएंगे। अंदर आते ही राइट साइड में वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। आकाश बेल बजा, मैंने बेल बजाया था। नहीं। ये वॉशरूम है, सामने मिरर है, वॉश बेसिन, और मुझे लग रहा है ये 4x1 2 3 4 5 6 4x6 का वॉशरूम है ये। ऊपर शावर लगा हुआ है, और इसको बंद करके जब हम और थोड़ा अंदर आते हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है मिरर, सामने बड़ा सा मिरर लगा हुआ है ताकि आप रेडी हो सके यहाँ पे। और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आज। फिर जब हम लोग यहाँ आते हैं, हाँ मिरर के इस तरफ विंडो है, काफ़ी ऊंची विंडो है, बट ये हम नहीं खोलेंगे। यहाँ पे एक वॉल पेंटिंग है जो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ये पेंटिंग। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, छोटा सा टेबल है जिसपे दो टॉवल दिए हुए हैं, नीचे डस्टबिन है। यहाँ पे एक टेबल है जिसपे मैंने अपना सारा सामान डेकोरेट कर लिया है, जो कि मोस्टली अद्दू का सामान है सारा। और यहाँ पे मेरे बैग रखा हुआ है, यहाँ पे ये बैग आकाश फैला के गए हैं, मैंने रूम टूर देने के लिए एकदम अच्छे से अरेंज किया था बट आकाश फैला के चले गए। ये बेड है जिसमें मेरी फ़ोटो है, ये बेड है। मैंने उनसे एक ब्लैंकेट और एक्स्ट्रा मांगा है क्योंकि तीन लोगों को एक ब्लैंकेट में नहीं होता है। ये जब हम इस तरफ आएंगे तो एक ये चेयर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे एक साइड टेबल है। यहाँ पर विंडो है जिससे व्यू बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को बालकनी में जाके दिखाती हूँ। ये 3 फीट की बालकनी है और यहाँ से व्यू स्विमिंग पूल का आता है। अब तो अद्दू हमें और ज़िंदा नहीं रहने देगा, यहाँ पे आके उसको वो स्विमिंग पूल देखेगा तो उसको स्विमिंग पूल में जाना ही है। 3 फीट की बालकनी है, व्यू बहुत अच्छा है सामने। अब हम जाते हैं अंदर और मैं आप लोगों को दूसरी बालकनी दिखाती हूँ। 2 साइड बालकनी है यहाँ पर, और अंदर आ गए। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है इन लोगों ने, ये पूरा जाली लगा के दिया हुआ है ताकि सेफ्टी भी है प्लस कौवे ना आ जाए अंदर मेन यहाँ पे ना, क्योंकि कौवे बहुत ज़्यादा। बेड के सामने एकदम यहाँ पे भी बालकनी है, लेट मी शो यू। और यहाँ पे भी ग्रीनरी है, यहाँ पे बैक साइड का व्यू है। आकाश सामने से तो वो दिख रहा है, स्विमिंग पूल दिख रहा है। जाओगे जाओगे जाओ, नहीं जाओ,